और यहाँ के दर्शन के बाद मैं अब ऊपर का जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल अंदर अच्छी खासी भीड़ थी और अंधेरा बहुत था, तो मुझे वो लाइव रोकनी पड़ी थी वहाँ। आप देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्थान को अब बनाया गया है और मंदिर है। आप देखिए अच्छी खासी भीड़ है सर यहाँ पर, लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था जो है वो अच्छी खासी है। और इसके अलावा देखिए आप, महिला पुरुष बच्चे सब अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर के लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और लोग अच्छी खासी तादाद में, अच्छे समाज, सभी धर्मों के धर्मावलंबी जो है वो यहाँ पर आते हैं, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये स्थान है। ये अंदर जो है वो मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। इसके भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। और देवनारायण भगवान की ये मूर्ति है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करौली ज़िले में जो एक धार्मिक स्थल पड़ता है नंद भूमिया, नंद बाबा भी कहा जाता है, वहाँ पर हूँ और वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। नंद भूमिया का स्थान है और अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लोगों की आस्था का केंद्र है बिल्कुल। विक्की यह आपकी भी हम अर्जी ज़रूर लगाएंगे बाबा से और सभी को सुख समृद्धि शांति दे। ये देखिए आप, अच्छी खासी तादाद में लोग और श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आते हैं और कावड़ यात्रा लेकर के ये लोग आए हैं और धार्मिक आस्था का केंद्र है। कावड़ लेकर के भी खूब अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आते हैं और ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना प्रभाव है। आइए उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और उनकी थोड़ी सी मैं आपकी बातचीत करवा देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हो आप लोग? सरौदी से। सरौदी से। तो कावड़ यात्रा लेकर के आए हो? कितने लोग आए हैं कावड़ लाए? 70 तो वहाँ से बिल्कुल पैदल चल रहे हैं आप? और देखिए आस्था की एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इस यात्रा को सफल किया है। कावड़ यात्रा ये लेकर के आए हैं सरौदी से, बड़ी धारा से, और 70 लोगों का ये काफिला है जो यहाँ पहुँचे हैं। और दो कावड़ यात्रा ये लेकर के आए हैं, एक भैरव जी के लिए और एक यहाँ नंद बाबा के लिए। तो ये इनकी आस्था है, ये इनका विश्वास है जिसकी बदौलत ये लोग यहाँ आए हैं और इनके चेहरे पर कोई थकान नज़र नहीं आ रही, एक जोश, एक उत्साह था और उसके चलते ये लोग यहाँ आए हैं। और ये लोग वहाँ से चले हैं और ये भगवान देवनारायण का मंदिर है। ये आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है और चलिए उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा यहाँ आकर के। और केदार सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने दर्शक हैं उन सब की तरफ से भी मैं यहाँ हाजिरी लगा रहा हूँ और आपको लाइव दिखाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आप सब अपनी हाजिरी यहाँ लगाएं, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और सर आस्था आस्था होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।